हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा ऑन एग्रीकल्चर प्रोफाइल। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोफाइल पे हमारे बहुत सारे वीज़ाज आए हैं, तो हमें बहुत सारी कॉल्स भी आ रही थी कि आप इस पर कोई वीडियो बनाओ कि आप अपना जो है खुद वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोफाइल पे। जैसे कि हमने एक पहले वीडियो डाली थी जिसको मैं ऊपर पिन कर रहा हूँ कि आप खुद अपना न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम नई वीडियो तो नहीं बना सकते, लेकिन हम आपको जरूर जानकारी दे सकते हैं कि आप उस वीडियो को देख के अगर आपकी एग्रीकल्चर की प्रोफाइल है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो उस एग्रीकल्चर प्रोफाइल पे। सो गाइस, सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपकी कोई भी जनरल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स ना करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स की वॉल्यूम होती है, तो हमें जनरल क्वेरीज जो है उसका आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वी विल ट्राई टू हेल्प यू ऑन व्हाट्सएप मैसेजेस। इसके अलावा अगर आपको अपना वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना एग्रीकल्चर प्रोफाइल पे खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ चेकलिस्ट क्या क्या है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जेनरिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पासपोर्ट की कॉपी होगी, आधार कार्ड की कॉपी होगी, पैन कार्ड की कॉपी होगी। इसके अलावा जो आपका मेनली इनकम प्रूफ होता है वो होता है आपके जे फॉर्म्स की। जे फॉर्म पर आपका पूरी एनुअल इनकम लिखी होती है कि आपने क्या क्या जो है कौन कौन सी फसल बेच के कितने पैसे कमाए हैं, कहाँ से आपको ये इनकम आई है। वो आपका जो है एक सप्लीमेंट्री प्रूफ होता है नॉर्मली कि आपने कैसे जो है ये इनकम गेन किया। इसके अलावा आप तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ITR इनकम टैक्स रिटर्न्स भरी हुई हैं वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो है सारी जो इनकम आती है वो एग्जेम्प्ट होती है। आप चाहे उस पर टैक्स नहीं पे करते, लेकिन आप स्टिल उसको लॉज कर सकते हो। इसके बाद जो आ जाता है आपके फाइनेंशियल्स आ जाते हैं, जैसे कि इसमें आपकी फिक्स डिपॉजिट्स आ गए या सेविंग बैंक बैलेंस आ गया, तो आपके अपनी बैंक को अपने बैंक की स्टेटमेंट, अपने बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट्स अटैच करने होते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ के या टाइज के, जैसे कि अगर आपके नाम पर कोई ज़मीन है, आपके नाम पर घर है, प्लॉट है या कोई शॉप है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स एंड नेटवर्थ रिपोर्ट्स अटैच कर सकते हैं। सो इसके बाद डिजिटल पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है JPG फॉर्म में आपको अटैच करनी होती है ऑन फर्स्ट पेज वाइल लॉजमेंट ऑफ योर न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा। तो इसके बाद आ जाती हैं आपकी फैमिली टाइज, आपकी फैमिली में कौन कौन है, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, अगर मैरिड नहीं है तो आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको उनके आधार कार्ड्स यानी कि नेशनल ID वो अटैच करनी होती है। ये तो होगी एग्रीकल्चर प्रोफाइल। इसके बाद कुछ लोगों का एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने अपने बफेलोस काउस रखी होती है, उनको वहाँ से भी इनकम आती है, तो उस केस में आप अपना वेटरनरी डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं जिसमें उनका काउंट लिखा होगा कि आपके पास 20 गायें हैं या 20 भैंसें हैं, तो उसमें भी वो सारा उन्होंने एक इनकम सर्टिफिकेट बनाया होता है कि आपकी जो गायें भैंस कितने लीटर दूध देती हैं, आपको उसमें कितना इनकम होता है। इसके बाद जो आ जाती है वो आ जाती है डेयरी वाली प्रोफाइल, यानी कि आपने अपनी गायें भैंस नहीं रखी हुई लेकिन आपका स्टिल डेयरी का बिजनेस है, आप मिल्क डेयरी रन कर रहे हो। उस केस में आप बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो प्रूफ्स, जैसे कि आपका लेटर हेड हो गया, आपका विजिटिंग कार्ड हो गया। इसके अलावा अगर आपके इनवॉइसेस की यानी बिल बुक की कोई कॉपी है आप उसको अटैच कर सकते हो। इसके अलावा आपने अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। पंजाब में डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, हरियाणा में डिफरेंट तरह के होते हैं, तो आप जैसे कि MSME हो गया जो कि नॉर्मल होता है, उद्यम आधार हो गया, FNB हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आप अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन के साथ में अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बिजनेस प्रूफ है तो आप वो अटैच कर सकते हैं। सो ऐसे जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पता चल सके कि जो आप बिजनेस रन करे हो वो वाकई में जेन्युइन है, प्रॉफिटेबल है, तो आप ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अटैच कर सकते हो अपनी विजिटर वीज़ा फाइल में। इसके अलावा आपने अपनी शॉप को रजिस्टर करवाया होता है तो आपको शॉप एक्ट सर्टिफिकेट भी मिला होता है, जहाँ आपकी शॉप के ऊपर जो आपकी बिजनेस का नाम लिखा हुआ है, आपकी फर्म का नाम लिखा होता है, तो आप उसके साइन बोर्ड की फ़ोटो से अटैच कर सकते हैं टू शो की ये जो बिल्कुल जेन्युइन बिजनेस है और रनिंग में है। इसके अलावा और भी सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई रेंटल डीड होगी, रेंटल एग्रीमेंट हो गया, अगर आपका कोई पार्टनरशिप में है बिजनेस उसकी पार्टनरशिप डीड होगी। सो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं अटैच करने के लिए, लेकिन सभी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें से आपके पास अवेलेबल हैं वो आप अटैच कर सकते हो, जिससे कि पता चल सके कि हाँ वाकई में आपका जो बिजनेस है रनिंग बिजनेस है
इसके अलावा अगर आपको जो है अपनी फाइल की प्रोसेसिंग हमारी टीम से करवानी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो।